हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो मरनाल भाई हैं उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है, तो इसका मतलब इस साल जो उनके वीडियो आने वाले थे लेटेस्ट इकोनॉमी के, वो नहीं आने वाले हैं बिकॉज़ वो पेड कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो उसी विषय से रिलेटेड जो था कुछ मेल मिली, जैसे मुझे काफ़ी मेल मिली, उसके अंदर पूछा गया था, उसमें मतलब मेनली ये तीन क्वेश्चन थे। फर्स्ट था कि जो मरनाल की इकोनॉमी की वीडियो हैं पुराने वाली, क्या वो रिलेवेंट हैं 2019 के लिए, बिकॉज़ अगर वो अपडेट नहीं होने वाली तो क्या वो जो पुराने वाली वीडियो हैं वो रिलेवेंट हैं। सेकंड आता है कि अगर रिलेवेंट हैं तो उनको कैसे फॉलो किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई बिगिनर है तो उसके लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी की आपको सीरीज़ मिलेगी, उसमें से आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन उसमें आता है कि क्या मरनाल की जो वीडियोज़ हैं वो इनफ हैं इकोनॉमी के लिए। तो इन्हीं तीनों जो हमारे क्वेश्चन हैं इनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वहाँ पे प्लेलिस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में देखेंगे, एक हमारी सबसे लेटेस्ट है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 2017 वाली, मतलब जो लास्ट ईयर अपलोड की गई थी। उसमें 55 वीडियोस हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दो वीडियोज़ हैं उसके अंदर। फिर हमारे पास है इकोनॉमी पास्ट ओल्ड वीडियो, जो कि स्टिल रिलेवेंट है, ये प्लेलिस्ट है, इसमें 22 वीडियोज़ हैं। तो ये हमारी तीन आ जाती हैं इकोनॉमी की प्लेलिस्ट। उसके अलावा हमारे पास इकोनॉमी के अंदर में क्या आएगा, एक आएगा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट 45 वीडियो का। उसके बाद इकोनॉमिक लेक्चर्स फॉर यूपीएससी, इसमें आएंगे हमारे पास में 85 वीडियोस। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में टोटल 5 प्लेलिस्ट आ रही हैं। तो इनमें से कौन सी रिलेवेंट है, कौन सी पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि क्या मतलब ये रिलेवेंट है इस ईयर के लिए भी, 2019 के लिए भी रिलेवेंट है। इकोनॉमी के बारे में जैसा हमें पता है कि इकोनॉमी के अंदर में काफ़ी कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे मान लो जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी एक कंसेप्ट के अंदर आता है। जैसे टैक्स की बात करेंगे, उसके अंदर में टैक्सिंग का सिस्टम कैसे होता है, मतलब वो एक तरीके से कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं। आप उनको किसी भी टॉपिक से कहीं से भी उनको कवर कर लोगे, जैसे एनसीईआरटी से कवर करोगे या किसी स्टैंडर्ड सोर्स हमारा जैसे रमेश सिंह उससे कवर करोगे, या आप वीडियो से कवर कर लोगे ऑनलाइन, तो उससे आपका काम चल पड़ता है। इसके अंदर में मतलब ज़्यादा आपको, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है, कहीं से भी समझ आए, किसी भी बुक से समझ आए, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आपको जैसे स्पेक्ट्रम की बुक के अंदर ही मिलेगी। तो इनको जो है आप कवर कर सकते हो। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपको इकोनॉमी अच्छे से समझ आ रही है, तो आप इसको वीडियोज़ के माध्यम से उनको कवर किया जा सकता है, पूरी इकोनॉमी के सिलेबस को। वैसे जर्नल जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके अंदर में एनसीईआरटीज कवर करनी चाहिए 9th से लेकर 12th तक। लेकिन अगर आपने वो भी कवर नहीं की हुई हैं और उसके अलावा आप सिर्फ मरनाल की वीडियोस देखोगे, तो उनसे भी आपका काम चल पड़ेगा। बस आपको जो आप वीडियोस देखते हो, चाहे मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो देखते हो, आपको इस लिहाज से उसको देखना है। उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, ये बिगिनर्स के लिए बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। अगर वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हो रहे हैं, जो बातें वहाँ पर बताई जा रही हैं वो आपको समझ आ रही हैं, तो आपको अदर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करेंगे इनकी कि क्या ये स्टिल रिलेवेंट हैं। तो हाँ, ये वीडियोज़ आपके 2019 के लिए, 20 के लिए भी काम आएंगी, बिकॉज जैसे हमने देखा कि इसके अंदर जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो बात जो हमें यहाँ से समझ आ जाती है कि ये वीडियो हमें 2019 के लिए और 2020 के लिए काम आने वाली है। प्लस अगर इनके साथ में करंट अफेयर जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट आपके लिए पैकेज बन जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप विजन वगैरह की मैगजीन जो है वहाँ से कवर करोगे, तो आपके लिए 2019 के लिए यहाँ से काम चल पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है, जो हमने प्लेलिस्ट देखी यहाँ पे 3 से 4, उनके बीच में कौन सी रिलेवेंट है, कौन सी आपको स्टडी करनी चाहिए। तो फर्स्ट, ये सबसे लेटेस्ट है, 55 इसके अंदर वीडियोज़ हैं, और उसके साथ में ये लेटेस्ट लास्ट ईयर की है। तो इसके अंदर में बेसिक प्लस करंट जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का था वो कवर किया गया है। प्लस उसके साथ में यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट है जो कि इसी से रिलेटेड, जो पास्ट की वीडियोस रिलेवेंट थी उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इकोनॉमी पास्ट ओल्ड वीडियो 22 की। तो अगर आप देखोगे, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आप 55 वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। उनके साथ में जो वीडियोस यहाँ पे रिलेवेंट हैं उनको साथ में आपको देखना पड़ेगा, और उसके साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स की दो वीडियोस हैं, इनको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कवर हो सकता है। लेकिन ये वाली जो नई वाली हमें वीडियो देखने को मिलेंगी, 55 वीडियो, ये थोड़ी मतलब फास्ट करवाई गई हैं, टाइम की थोड़ी कमी थी उसके कारण थोड़ी फास्ट करवाई गई हैं, उतना डिटेल के अंदर में नहीं जा पाया कुछ टॉपिक के अंदर में वो। तो उनको आप कवर करने के लिए अगर आपके पास में काफ़ी सारा टाइम है, जैसे अगर आपके पास में इस टाइम आप कवर करने जा रहे हो 2019 के लिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, उनके साथ में इनको देख सकते हो और इनको कवर करोगे, यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और उसके साथ में आप करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन वगैरह लगाओगे और उससे आपका काम चल पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आपको यहाँ से मतलब उतना अच्छा समझ नहीं आता, जैसे मैंने बताया ये थोड़ा मतलब एडवांस लेवल के ऊपर या थोड़ा जल्दी करवाया गया है, तो आप पुराने वाली वीडियो भी देख सकते हो। पुराने वाली वीडियो से अगर आपने स्टार्ट करना है, बिगिनर हो, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा,
इकोनॉमिक लेक्चर फॉर यूपीएससी 85 लेक्चर, यहाँ से फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे नोट्स वगैरह बना सकते हो। उसके बाद में स्टिल यहाँ से जो मतलब कंटेंट यहाँ पे अपडेटेड नहीं होगा वो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और जो पुराने वाली आप 85 वीडियो देखोगे उनमें से काफ़ी सारा मटेरियल आपको यहाँ पे फिर से रिपीटेड मिलेगा, तो वो आप यहाँ से मतलब डबल समझ आएगा आपको। ये वीडियो काफ़ी आराम से बनाई गई थी और काफ़ी अच्छे से समझाया गया इनके अंदर में, तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप यहाँ से 85 से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद में 55 के ऊपर जा सकते हो, और ये जो पास्ट की ओल्ड वीडियोज़ हैं इनको भी कवर कर लेना। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो 85 वीडियो कवर करो, उसके बाद में ये जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं 55 और माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक पास्ट वीडियोस, इनको आप कवर कर सकते हो और यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा इन वीडियोस के अंदर में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से कवर नहीं किया गया है, वो आपको थोड़ा सा जैसे कुछ टॉपिक इसके अंदर कवर नहीं भी किए गए हैं, कुछ कवर किए गए हैं लेकिन उतने अच्छे से कवर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए हमारी जो रमेश सिंह की बुक है उससे आपको कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर बात करेंगे जैसा हमने देखा कि बजट इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमी की पास्ट ओल्ड वीडियो, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमारे जो 85 लेक्चर हैं वो, अगर आप आपके पास में टाइम कम है इसी टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो 55 वीडियोस प्लस 22 एंड दो वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उनको कवर करोगे। और उसके अलावा कुछ टॉपिक जो आपको मरनाल की वीडियो से हट के कवर करने पड़ेंगे वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो होगा रमेश सिंह का 7th जो एडिशन है, जैसे अभी तो लेटेस्ट भी आ चुका है लेकिन 7th की बात करेंगे तो उसके अंदर चैप्टर 6, उसके अंदर आप स्टडी करोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसके अंदर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में स्टडी करोगे, चैप्टर 7 इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, यहाँ पे काफ़ी रिलेवेंट मटेरियल, ये प्रीलिम के लिए बात की जा रही है। और कुछ टॉपिक जो मेंस के लिए काम आएंगे आपको, जैसे चैप्टर 8 एग्रीकल्चर एंड इट्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक यहाँ भी कवर किया गया है जैसे मरनाल की वीडियो में भी, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस इसके अंदर में जाना पड़ेगा, और करंट अफेयर से भी काफ़ी मटेरियल इसके अंदर मिलेगा आपको। उसके अलावा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको मेंस के अंदर काम आएगा। उसके अलावा रमेश सिंह की बुक के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें दे के रखी हुई हैं, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें दे के रखी हैं और काफ़ी बोरिंग भी लगेगी, तो आप उसके अलावा छोड़ सकते हो उन चीज़ों को अगर आप मरनाल की वीडियो देखोगे और उसके बाद ये चैप्टर अगर कवर करोगे।